हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। आज की वीडियो में बात करेंगे यूएस डीएस 160 फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मेरे जो फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9643960456। अगर आपका कोई डाउट होता है और अगर आप मेरी वीजा सर्विस चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको VFS की वेबसाइट पे जाना है। VFS की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको हमें हर बार की तरह लेफ्ट साइड में इंडिया सेलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वो। तो अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टेक मी टू दी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर क्लिक कर दीजिए, इसको क्लोज़ कीजिए, स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेकंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, और इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद और यहाँ पर आपको सेलेक्ट हेयर टू एक्सेस ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म DS-160, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो ये कैप्चा है ये आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, और ये जो नंबर आपका ये है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए किसी भी पेज पर या फिर नोटपैड पर, क्योंकि इसी नंबर की हेल्प से आप आगे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर पाएंगे। तो DS-160 फॉर्म का ये जो नंबर है ये आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कोई भी क्वेश्चन जो आपको सूटेबल है। तो मैं यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने चूज़ किया इन्वर्ट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया है। आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है ठीक वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना सरनेम आपको मेंशन करना है, उसके बाद फर्स्ट नेम। इसके बाद यहाँ डज नॉट अप्लाई पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको इस पर नो क्लिक कर दीजिए, जिसमें पूछा गया है आप पहले किसी दूसरे नाम से जाने जाते थे, तो यस या नो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे दूसरा पूछा गया है कि आपका कोई टैली कोड है जो रिप्रेजेंट करता है आपका नाम, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स है, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिटी मेंशन करनी है, और उसके बाद जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट, या फिर आप इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हैं या फिर बाद में भी सेव कर सकते हैं। आप पर्सनल टू पर आप जाकर आगे की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन दी वन इंडिकेटेड अबव ऑन ए नेशनलिटी, ये इसमें पूछा है कि आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी अभी है या फिर पहले कभी दूसरी नेशनलिटी आप रखते थे जो यहाँ पर दिखाई गई है, तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो नो पर आप सेलेक्ट कीजिए। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, इसके बाद पूछा गया है कि आप किसी के स्थायी निवासी हैं जो ऊपर कंट्रीज दिखाई गई हुई है, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, अगर है तो यस सेलेक्ट कीजिए। नेशनल आइडेंटिटी, इसके बाद नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर अपना मेंशन कर दीजिए जो भी है आपका, और फिर अगर आप प्रोवाइड नहीं कराना चाहते तो डज़ नॉट अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर डज़ नॉट अप्लाई, और यूएस टैक्सपेयर आईडी नंबर डज़ नॉट अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है इस पेज पर। तो पर्पज़ ऑफ ट्रिप फॉर टू दी US क्या है, हमारा टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं हम, तो आपको टेम्प्रेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर भी आपको सेलेक्ट करना है। इसमें कैटेगरी जो भी आपका है, अगर आप बिजनेस और टूरिज्म दोनों के लिए जा रहे हैं तो B1 B2 को आप सेलेक्ट कीजिए। बिजनेस और कॉन्फ्रेंस में के लिए जा रहे हैं तो आपको B1 सेलेक्ट करना है। अगर आप टूरिज्म या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो B2 को सेलेक्ट कीजिए। तो मैं अभी बिजनेस और टूरिज्म दोनों का सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, अगर आपने कोई ट्रैवल प्लान्स बना रखे हैं तो यस पर सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया है डेट ऑफ अराइवल इन US में कब आप अराइव करेंगे, कब आएंगे, तो यहाँ पर डेट आप फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट मान के चलता हूँ कि 10 अक्टूबर 2022 को हम वहाँ पर पहुँचेंगे, और अराइवल सिटी हम फ्लोरिडा में जाएंगे, और डिपार्चर कर लेंगे हम वहाँ से, निकल जाएंगे 20 अक्टूबर 2022। इसके बाद डिपार्चर सिटी भी फ्लोरिडा है,
प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस। अगर आप यूएस में कोई दूसरी लोकेशन भी आप विजिट करेंगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट फ्लोरिडा और इसके अलावा दूसरी जो लोकेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है जहाँ पर आप स्टे करने जा रहे हैं यूएस में, और वहाँ की सिटी, स्टेट, अगर जिप कोड पता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ को लीव छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट है पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, यहाँ पर आप कौन पे कर रहा है, आप खुद पे कर रहे हैं तो सेल्फ पर सेलेक्ट कीजिए, अगर कोई दूसरा पर्सन आपका पे करने जा रहा है अमाउंट तो अदर पर्सन पर सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको सेव के बाद सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया ट्रैवल कंपेनियंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपके साथ कोई दूसरा पर्सन भी ट्रैवल कर रहा है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू, तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम आ गए प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहले कभी ट्रैवल कर चुके हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो हैव यू एवर बीन इन द यूएस, तो नो, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने जा रहा हूँ। हैव यू एवर बीन इशूड यूएस वीज़ा, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज यूएस वीज़ा, तो नो पर क्लिक कीजिए। क्या आपका पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो नो पर सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हम सभी ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर रहे हैं। हैज़ एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन ऑन योर बिहाफ विद यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, तो यहाँ पर पूछा गया कि आपके बिहाफ पर किसी ने इमिग्रेशन पिटीशन डाली है, यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड कराना है जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, अगर ज़्यादा लंबा एड्रेस है तो सेकेंड लाइन का यूज़ कीजिए। उसके बाद सिटी प्रोवाइड कीजिए, स्टेट यहाँ पर मेंशन कीजिए, पोस्टल कोड, और कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आपसे प्राइमरी फ़ोन नंबर आपका कोई है तो वो प्रोवाइड कीजिए, और अगर सेकेंडरी नंबर है तो प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई पर क्लिक कीजिए। सिमिलरली वर्क फोन नंबर, अगर कोई ऑफिस का वर्क फोन नंबर है तो यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई पर क्लिक कीजिए। इसके बाद पूछा गया हैव यू एवर यूज एनी अदर फोन नंबर्स इन द लास्ट 5 years, अगर आपने 5 सालों में कोई दूसरा नंबर यूज़ किया है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट कीजिए। अपना ईमेल एड्रेस को आपको प्रोवाइड कराना है यहाँ पर, और अगर आपने लास्ट 5 years में कोई दूसरा ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया है तो आप यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नो पर सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आप अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप कोई फेसबुक या फिर आप यूट्यूब, ट्विटर जो भी यूज़ कर रहे हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बारे में यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई होगा तो मैंने अपना YouTube का नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये है अपना जो भी प्रेजेंस का, जिससे इनको पता चल सके, जिससे ये आइडेंटिफाई कर सके आपकी प्रेजेंस, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन यू हैव यूज विद इन द लास्ट 5 years और क्रिएट योर शेयर कॉन्टेंट्स, तो ये पूछ रहा है कि आप कोई दूसरी वेबसाइट का नाम बताना चाहते हैं जहाँ पर आपने वीडियो या फोटो आपने प्रोवाइड किए, तो यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो नहीं, अदरवाइज तो नो पर आप सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको अपना पासपोर्ट अपने हाथ में लेना है और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। तो पासपोर्ट में आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर, और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद पासपोर्ट बुक नंबर में आप डज नॉट अप्लाई क्लिक कीजिए, और वेयर वॉज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड, तो जहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ दिल्ली डाल देता हूँ। इशुएंस डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, कब आपका एक्सपायर होने जा रहा है, वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है इसके बाद कि आपका कभी पासपोर्ट खोया या फिर चोरी हुआ है, अगर ऐसा है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। US पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आप स्टे करने जा रहे हैं, उन पर्सन की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट कर रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जनरली आपको प्रोवाइड करानी है। अगर आपका वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आप वहाँ पर किसी स्टोर, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर आप विज़िट करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको सरनेम फर्स्ट नेम आपको प्रोवाइड कराना है। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन विजिट करने जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन नेम है ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद अगर कोई रिलेशनशिप है तो देख सकते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में रिलेटिव लगते हैं, वो स्पाउस है फ्रेंड है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड चूज़ करने के बाद यहाँ पर सब ऑप्शंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस उनका प्रोवाइड कराना है। अगर नहीं पता तो डज़ नॉट अप्लाई आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। तो अपना फादर नेम आपको प्रोवाइड कराना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो सर नेम फर्स्ट नेम यहाँ पर मेंशन करना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डू नॉट नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। इज़ योर फादर इन यूएस, अगर आपके फादर यूएस में है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नो पर सेलेक्ट कीजिए। सिमिलरली आपको मदर की डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, और ये पूछा गया है सिमिलरली कि मदर यूएस में है तो यस, अदरवाइज़ नो पर सेलेक्ट कीजिए। और लास्ट में आपसे पूछा गया डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद इस कॉलम में पूछा गया है कि आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव हैं पेरेंट्स को छोड़कर, तो यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि इमीडिएट रिलेटिव्स में आ जाते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, सन या डॉटर, या फिर सिबलिंग में ब्रदर सिस्टर अगर है तो आप यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज़ नो पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, तो इसके बाद आपसे पूछा गया है, इसके बाद प्रेजेंट वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अगर वर्क कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, एजुकेशन कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन का ऑप्शन चूज़ कीजिए, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कीजिए, और जो भी अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना चूज़ कर सकता हूँ, बिजनेस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एड्रेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है, तो मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी जहाँ पर भी इस्टेब्लिश है उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर और कंट्री, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया ये बिज़नेस वो डेट आपको मेंशन करनी है, और कितना आप मंथली अर्न कर लेते हैं उस बिज़नेस से तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पर इस काम के लिए, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कुछ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया वेयर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, तो आप पहले कभी जॉब करते थे तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराना है, नहीं अदरवाइज नो प्रोवाइड नो पर सेलेक्ट कीजिए। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव, क्या आपने अपनी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन या उससे अबव पढ़ाई की है, तो यस सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपसे पूछा जाता है, आपने किस इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई की है, उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन कीजिए, सिटी, उसका स्टेट, उसका कोड मेंशन यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कोर्स आपने क्या किया था, बीए, बीकॉम, जो भी आपने कोर्स किया है यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था और कब आपका फिनिश हुआ था कोर्स, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्वेल्थ का कर सकते हैं ऐड अनदर करके अपना ग्रेजुएशन, और उसके बाद ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मास्टर्स या पीएचडी की भी आप डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पूछा जाता है, तो डू यू बिलोंग टू अ क्लेन और ट्राइब, आप किसी ट्राइब, किसी कबीले या ट्राइब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नो पर सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी भाषाएँ आप बोल सकते हैं, तो सबसे पहली हमारी भाषा हिंदी है, उसके बाद ऐड करने के बाद आप इंग्लिश, अगर आप पंजाबी या दूसरी कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है हैव यू ट्रैवल्ड टू एनी कंट्री रीजन विद इन दी लास्ट 5 ईयर्स, अगर आपने 5 सालों में कहीं ट्रैवल किया है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नो पर सेलेक्ट कीजिए। हैव यू बिलोंग्ड टू, कंट्रीब्यूटेड टू और वर्क्ड फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन,
क्या आप सोशल वर्क या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट कीजिए। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल्स फॉर ट्रेनिंग सच एस फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस, क्या आपके पास इनमें से किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट कीजिए, और इसको नो ही सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज वीज़ा लगना मुश्किल ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये बंदा घातक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, तो नो पर आपको सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर सर्वड इन दी मिल्ट्री, क्या आपने कभी मिल्ट्री में जॉब की है, तो यस, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट करना है आपको। हैव यू एवर सर्वड इन बीन अ मेम्बर ऑफ और बीन इन्वॉल्व विद अ पैरामिल्ट्री यूनिट, विजिलेंट यूनिट, रेबेल ग्रुप, गोरिल्ला ग्रुप और इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर पूछा गया कि आप किसी पैरामिलिट्री यूनिट या विजिलेंट यूनिट किसी ग्रुप से आप का ताल्लुक़ है, तो यस कीजिए या नो कीजिए, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपसे पूछा जाता है सिक्योरिटी बैकग्राउंड के पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ये आपको सारे जवाब देने होते हैं। Do you have a communicable disease? क्या आपको कोई disease है इनमें से, तो आप yes select कीजिए, otherwise no पर select कीजिए। तो अपने according आपको ये सारे security question आपको खुद पढ़ने हैं और उनके जवाब देने हैं। Do you mental or physically disorder the poses in likely pose or threat safely yourself or others? तो no, तो आप ये questions आप पढ़िए और उनके जवाब आप yes या no में आपको देना है। तो ये मैं सभी ऑप्शन अभी के लिए नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा गया है आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप किसी गलत काम में तो नहीं पकड़े गए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे गए हैं, या आप कभी डिपोर्ट तो नहीं हुए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है रिव्यू। रिव्यू में आपसे सारी डिटेल्स ओपन हो जाती है, आपको डिटेल्स गो थ्रू करनी है। प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर ज़रूर संभाल के रखिए, मैं इसको नोटपैड पर कहीं सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम नीचे जाते हैं और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये रिव्यू के लिए सारी डिटेल्स को थ्रू करा रहा है, आप पढ़ सकते हैं, कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट ऑप्शन पे आप जाके एडिट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको सेव कर सकते हैं। अब ये फाइनल है, यहाँ पर साइन और सबमिट आपको करना है, आपने अगर चेक कर लिया सारी डिटेल्स ओके है तो साइन और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर डिड एनीवन असिस्ट यू इन फिलिंग आउट ऑफ द एप्लीकेशन, नो कीजिए और एंटर योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको आप मेंशन कीजिए और फिर आपको साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने सक्सेसफुली साइन कर लिया है, सबमिट कर दिया एप्लीकेशन को। इसके बाद आप नेक्स्ट कन्फर्मेशन पर आइए। इसके बाद इस कन्फर्मेशन को आपको प्रिंट कर लेना है, जब आप VFS जाएंगे तो आपको ये कन्फर्मेशन ज़रूर लेके जाना है, आप चाहें तो इसे मेल पर अपने ऐड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।